अभी हम हॉस्पिटल में हैं, बुला रही है। अभी अभी हस्बैंड जी आए हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि ठंड बहुत है बाहर। हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है प्रेमा ब्लॉग। और आज है 23 तारीख और मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ दो तीन दिन बाद, क्योंकि ऐसी हो जा रहा, आपको पता है जाड़ों के दिन हैं, टाइम नहीं हो पाता इतना, तो मैं दो दो या तीसरे दिन ब्लॉग बनाती हूँ। और आज ब्लॉग बनाने का भी एक खास रीज़न है, और ख़ास रीज़न ये है कि आज भी है गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर बाद। उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। देखिए, खुशियों के मौके ना छोटे छोटे जो होते हैं ना, उनको इन्जॉय कर लेना चाहिए, जैसे मैं इन्जॉय करती हूँ। पहले तो ऐसा नहीं था, बट मैंने जैसे जैसे सोचा ना कि लाइफ देखिए बहुत छोटी होती है, इस छोटी सी लाइफ को पूरी तरीके से इन्जॉय करना चाहिए। तो चाहे वो अपनी खुशी हो, चाहे दूसरों की खुशी हो, उसमें खुश हो जाइए, वही आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज भी जो गुड न्यूज़ है ना, वो भी माने किसी के भी हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आज भी हमारी फैमिली में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हुई है, और वो गुड न्यूज़ क्या है वो आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। आप लोग बस मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और अभी तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 11:45, और थोड़ी डेढ़ या दो घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि वो गुड न्यूज़ क्या है। और अभी तो फ़िलहाल मैं कर रही हूँ काम, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तो फिर आपको गुड न्यूज़ का भी पता चल जाएगा। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ अपना काम, उसके बाद आपको बताऊँगी गुड न्यूज़ क्या है। और देखिए, मैंने दाल बनने रखी है तो सीटी भी आ रही है दाल में, तो सीटी बुला रही है और दाल बनने जा रही है। तो चलिए दाल बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं खाना बनाने के बाद। अभी तो फ़िलहाल चल रहा है मेरा काम, और काम मेरा हो चुका है खाना बनाने का। तो खाना वाना मैंने बना लिया है, और खाना बनाने के बाद अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ आप लोग देखते रहिएगा, और जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो खाना खाने के बाद मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो आज धैर्य भी जा रहा है मेरे साथ साथ हॉस्पिटल, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं। धैर्य है क्या, छुट्टी क्या, स्कूल से जल्दी आ गया था ये आज, तो इसने जिद करी मैं भी चलूँगा आपके साथ, तो हम दोनों के दोनों जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं बाद में। अरे की दावत स्टार्ट हो चुकी है, ये लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी। श्री श्री श्री, हम तो आपकी बहन देखने आए थे, आप यहाँ हमें पार्टी कर रहे हो, यहाँ देखो श्री, देखो किधर है, घर में ही वही। अरे बुआ अभी आया था, आगे चला गया, किसके साथ गया, चूं जैसा। अभी हम हॉस्पिटल में हैं, और ये देखिए यहाँ पर है, अभी मैं आपको फेस नहीं दिखाऊंगी, फेस बाद में दिखाएंगे हम आपको नामकरण वाले दिन, क्योंकि बेबी और बेबी की मम्मा को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। और आप ये देखिए श्री, ये देखो लिपस्टिक लगाने से क्या हो जाते हैं क्या होता है लिपस्टिक लगाने, बता दो क्या होता है, काले हो जाते हैं, वो काले हो जाते हैं। आपकी बहन ले जाए, बहन ले जाए, बहन नहीं दे रही, उस दिन भाई को कह रही ले जा, भैया को, भैया को हैं, भैया को ले जाए, और हम भी डबल डबल ताई बनने की खुशी कैसी हो रही है डबल धमाल। बेबी को देख के पहुंच चुके हैं घर। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, वो जो थे जब पहले हुए थे, वो हमारी दीदी की बड़ी वाली देवरानी के हुआ था बेटा, आज दीदी की सबसे छोटी वाली देवरानी की बेटी हुई है, जिनकी शादी का ब्लॉग भी आपने, वाली देवरानी की बेटी हुई है। तो डबल डबल खुशी का मौका है, और डबल डबल इन्जॉयमेंट होगा, और डबल डबल लड्डू खाए जाएंगे। तो बस काफ़ी अच्छा रहा आज, तो सुबह सुबह ही खुशखबरी सुनने को मिल गई थी, तो काफ़ी अच्छा रहा पूरा का पूरा दिन। अभी शाम को शायद हम लोग घूमने भी जा सकते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखना हम कहाँ घूमने जाते हैं। और ये धैर्य ना बेबी को देखने की खुशी में इसने खाना नहीं खा के गया, कह रहा मैं ऐसे ही जाऊँगा, और अब आके मैंने इसको खाना दिया है, अब खाना खाया जा रहा है। तो चलिए, और टाइम बज गए हैं 4:30, तो हम 4 बजे आ गए थे, 4 बजे आके फिर अभी चाय वाय पी के अभी बैठे हैं। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। हाँ, चार पर नहीं आया था, 4:20 पे आए थे है ना, आपने टाइम देखा था, तो 4:20 पे आएंगे, मैंने नहीं देखा था टाइम। तो काफ़ी अच्छा रहा, और
दोनों बेबी के फेस मैं आपको नामकरण वाले दिन दिखाऊंगी। आप लोग मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। बस क्या चल रहा है, जोरों शोरों से काम, क्योंकि सब्जी बना के फिर उसके बाद धैर्य को घुमाने ले जाना है मेला। हमारे इधर मेला लगा है, मैं आपको कह रही थी, तो उसने जिद करी हुई है कि सब घूम कर आ गए, मेरे को भी घुमाने ले जाओ। तो अभी हम लोग मेला देखने जाएंगे थोड़ा। आज हस्बैंड जी को थोड़ा सा टाइम है, तो वो कह रहे थे कि शाम को चलेंगे, तो मैं सोची हूँ सब्जी बना लेते हैं, तो सब्जी बनाने के बाद फिर हम लोग वहाँ चलेंगे। थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट हो जाता है बच्चों का, और कुछ नहीं, बच्चों के साथ साथ हम भी इन्जॉयमेंट कर लेते हैं। तो चलिए चलेंगे अभी। और मेले में जाना ना मुझे भी बहुत पसंद है, पहले से ही, बचपन से ही। बचपन में जब कहीं भी मेला होता था ना, तो मैं सबसे पहले रेडी हो जाती थी। तो मेरी मम्मी मुझसे कहती थी, क्यों आपके बिना तो बेटा कहीं मेला वो ही नहीं होगा पूरा जब तक आप लोग नहीं जाओगे। तो मुझे वो दिन अभी भी याद आते हैं। वो कहते हैं बचपन जब बीत जाता है तो लौट के नहीं आता, पर कोई नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ अपना बचपन दोबारा से जी रही हूँ और फुल इन्जॉयमेंट चल रहा है। और अभी हम जाएंगे मेला, तो चलिए पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ चने और आलू की, और मसाला मेरा यहाँ तैयार हो रहा है बढ़िया करके, मसाले अभी भून रहे हैं मेरे। तो बस सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम मेला। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी अभी हस्बैंड जी आए हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि ठंड बहुत है बाहर, तो जैकेट वैकेट पहन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। इसका मन हो रहा है थोड़ा सा इसको झूले वूले झूला के, इसका थोड़ा सा वो करके पी के। खाना क्या है इतनी ठंड में, माने जो भी है देखते हैं जो होता है। अभी तो फिलहाल चलते हैं फटाफट आना भी, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं। तो हस्बैंड जी गाड़ी निकाल रहे हैं जाने के लिए, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं मेले में और देखते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करते हैं। एंट्री हो चुकी है मेले में, मो दिखाओ पीछे जो घूम रहा है। तुम इधर को जाओ, मुझे वो फोटो देख के डर लग रहा है, वो देखो भूत लिख रखा है वहाँ। अरे बॉय साहब, अभी देखते हैं मेले में काफी कुछ है, क्या क्या है अभी आगे जाके पता चलेगा। हर माल अब बताओ सामने। दे रे तो यहाँ पर है भूत बंगला, एकदम डरावना। जाना उसमें कहीं से भी डाल लो। पूरा डालना है। अबे यार क्या हो रहा है, क्या है ये? चल एक बिस्कुट, मैंने बिस्कुट जीत लिया। और यहाँ हस्बैंड जी कह रहे हैं, तो मेरी वीडियो क्यों बना रही हो? कपड़ों की स्टॉल वगैरह भी लग रखे हैं काफी सारे। धैर्य ने एक रिंग वाला खेला है, अभी देखते हैं क्या करता है। बाकी झूले उसके मतलब की कम है। वाओ वो ढूंढना पड़ता है निकालने के लिए गुल्ला के बेटा, वो मनी डालने के लिए। तो यहाँ पर मेरा बेटा अब झूल रहा है झूला, और वो बैठा है ड्रैगन वाले झूले पे। तो देखिए झूला झूलने जा रहा है और काफ़ी एक्साइटेड है। तो हम आ चुके हैं घर, और घर आके खाना वाना खा के अब हम बिस्ट बिल्कुल रजाई के अंदर पैक हो चुके हैं, क्योंकि ठंड बहुत है। और धैर्य का मन था तो बस घुमा लाए। धैर्य कैसा लगा आपको? मज़ा आ गया।
तो बच्चों की खुशी में ही खुशी होती है। तो अभी टाइम हो गया 9:30 और अब आ रही है बहुत तेज नींद। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, सी यू लेटर।